हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एलएम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जेपीएससी का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग झारखंड के वन एवं वन्य जंतु के बारे में चर्चा कर रहे थे। सीरीज नंबर 29 एंड 30 में इसका पार्ट वन एंड पार्ट टू को हमने डिस्कस किया है। आज यह पार्ट थ्री है, ठीक है, जिसमें वन एवं वन्य जंतु का पार्ट थ्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे वन एवं वनों के प्रकार, वन संपदा, वन प्रबंधन और वन्य जीव जंतु एवं संरक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुमला, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग। तो लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका चतरा में है। कहाँ पे है? चतरा में है। इसका स्थापना जो हुआ था 1978 में हुआ था। ये ईस्वी भी जरूर ध्यान में रखें, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य चतरा में है, इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। और यहाँ जो है कौन सा जीव पाया जाता है? तो बाघ, तेंदुआ, ठीक है, नीलगाय और हिरण आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पे? लावालौंग जीव अभ्यारण्य जो कि चतरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, लातेहार। तो पारसनाथ अभ्यारण्य जो है आपका गिरिडीह में है। कहाँ पे है? गिरिडीह में है। और इसकी स्थापना 1981 में हुआ था, 1981 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। किसका? पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य का। और यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, तेंदुआ, सांभर, हिरण और नीलगाय है। राइट, आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल पक्षी आश्रयणी कहाँ पे है। राजमहल पक्षी आश्रयणी कहाँ पर है? ऑप्शन में है हजारीबाग, साहेबगंज, पाकुड़ और रामगढ़। तो ये जो है आपका साहेबगंज में है। कहाँ पे है? साहेबगंज में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन है पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, गुमला। ठीक है, तो पालकोट जो है आपका गुमला में है। और इसका स्थापना जो हुआ था 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। किसका? पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य का। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। और यहाँ पर जो है तेंदुआ और जंगली भालू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गुमला में है, और इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। तो तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य ये धनबाद में है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1978 में हुआ था। कब? 1978 में। देखिए, तोपचांची और लावालौंग की स्थापना 1978 में हुआ था। और पांच जीव वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था। कौन कौन? पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, महुआटार भेड़िया अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, तो तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये धनबाद में है। और इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। और यहाँ पर तेंदुआ, हिरण और जंगली भालू ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा जल पक्षी आश्रयणी किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन है साहेबगंज, गढ़वा, पलामू, रांची। तो उधवा जल पक्षी आश्रयणी जो है आश्रयणी या फिर कहीं कहीं विहार आपको मिलेगा, तो ये है आपका साहेबगंज। कहाँ पे? साहेबगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ टाँड भेड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुमला, लातेहार, बोकारो, रांची। ठीक है, तो महुआ टाँड भेड़िया अभ्यारण्य आपका लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। राइट, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, धनबाद, कोडरमा। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है कोडरमा में है। कहाँ पे है? कोडरमा में है। और इसकी भी स्थापना 1976 में हुआ था। कब? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। देखिए, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। आपको ये डाटा आज ही रखना पड़ेगा कि ये पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये कुछ फैक्चुअल डाटा होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन में है लातेहार, गुमला, पाकुड़, रांची। तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ऑप्शन में है 1970, 1971, 1972, 1973। तो भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में स्टार्ट किया। कब? 1973 में स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन है। ऑप्शन में है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है।
नेक्स्ट है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में कितने बाघ थे? ऑप्शन में है 5, 10, 12, 15। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में जो है टोटल 5 बाघ था उस समय। कब? 2018 में। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट रिपोर्ट जो बाघ के बारे में डाटा निकालती है, ठीक है, ये झारखंड में 2018 में बताया कि 5 बाघ हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कितने बाघ थे? 2540, 2620, 2872, 2977। तो 2977 बाघ थे, ठीक है, कहीं कहीं आपको 67 भी मिलेगा, तो ये थोड़ा बहुत चलता है। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2018 के अनुसार देश में जो है 2977 बाघ था, कहीं कहीं आपको 67 मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं हूँ आप, ये डाटा इसलिए मैं जान के यहाँ रखा हूँ, ठीक है। और इसमें जो याद रखने वाली है, तो आपको मालूम है कि विश्व में बाघों की जो संख्या, उसमें से भारत में सिर्फ 70% पाया जाता है, ठीक है, भारत में 70% आबादी भारत में रहती टोटल बाघ का, देश में जो है 2967 बाघ, ठीक है, जबकि पूरी दुनिया में जो है मात्र 3900 बाघ है। तो आप समझ सकते हैं बाघ के मामले में हमारा देश कितना आगे है, 70% बाघ सिर्फ और सिर्फ भारत में है, ठीक है। और भारत के 20 राज्यों में टोटल 2967 बाघ हैं, और इनमें से टोटल जो 1492 है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है, 1492, उसके बाद कर्नाटक उत्तराखंड में है, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ सिर्फ 3 राज्यों में देश में बाघों की कुल संख्या जो है 50% से ज़्यादा है, ठीक है। बिहार में टाइगर की जनसंख्या 2010 में 8 थी, जो कि 2018 में बढ़ के 31 हो गया, कितना? 31। और केरल में 2010 में 71 था, जो कि 2018 में बढ़ के 190 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकते कि सबसे ज़्यादा बाघ किस देश में है, तो भारत में है, ठीक है, किस में है? भारत में है। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ है? तो वो मध्य प्रदेश में है, 1492 बाघ जो है सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? अभी बताया, ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? ऑप्शन में रांची, धनबाद, बोकारो, खूंटी। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है आपका रांची में है। कहाँ? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में है बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। तो टाटा स्टील जंतु उद्यान जो है आपका जमशेदपुर में है। टाटा का स्थापना ही जमशेदपुर में हुआ है, जमशेदपुर को ही टाटा के नाम से भी जानते हैं, तो टाटा स्टील जंतु उद्यान भी वहीं होगा, कहाँ पे? जमशेदपुर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन में हजारीबाग, साहेबगंज, रांची, रामगढ़, ठीक है। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है रांची में स्थित है, कहाँ पे? रांची में। रांची में स्थान का नाम है रुक्का, कहीं कहीं आपको रांची ना देके रुक्का दे देगा, ठीक है, इसलिए ये भी ध्यान में रखें, रांची के रुक्का में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिरसा मृग विहार किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन में पलामू, गुमला, खूंटी, गढ़वा। तो ये जो है आपका बिरसा मृग विहार, ये आपका काला माटी जंगल जो कि खूंटी में है, कहाँ पे? खूंटी में एक काला माटी, क्या? काला माटी जंगल है, वहीं पे बिरसा मृग विहार स्थित है, जो कि खूंटी में है, कहाँ है? खूंटी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन में बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है आपका बोकारो में है, कहाँ पे? बोकारो में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में जुबली पार्क स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो। तो जुबली पार्क जो है आपका जमशेदपुर में है, कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कब पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। तो राज्य सरकार के द्वारा पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन जो है आपका 2014 ईस्वी में किया गया। कब? 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला स्थापित किया गया है? ऑप्शन है गढ़खटंगा, रांची, गम्हरिया, सरायकेला खरसावां, महेशपुर, देवघर। तो आपको बता दूं, आधुनिक पौधाशाला जो है ये तीनों जगह पे स्थापित किया गया है। कहाँ पे? गढ़खटंगा रांची में, गम्हरिया सरायकेला खरसावां में, महेशपुर देवघर, ये तीनों जगह पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मिशन है? ऑप्शन है ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन फॉरेस्ट मिशन, क्लीन रिवर मिशन, ए बी सी तीनों। तो इसमें जो है नेशनल एक्शन प्लान के ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो है ग्रीन इंडिया मिशन जो है आपका भारत सरकार का मिशन है, ठीक है। इसके तहत क्या है कि यह भारत सरकार के टोटल 8 मिशन, उनमें से एक ग्रीन इंडिया मिशन भी है, और यह जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती है, जिसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सेदारी है वो 60% है और राज्य सरकार इसमें 40%, अर्थात इसका जो रेशियो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60:40 है। ये रेशियो भी पूछा जाता है, जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपसे इस तरह प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन इंडिया मिशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो बजट का अनुपात क्या है, तो 60:40 का है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 100 करोड़ खर्च होता है तो 60 करोड़ जो है आपका केंद्र सरकार देगी और 40 करोड़ इसमें राज्य सरकार खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन में केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात क्या है? अभी बताया, तो इसमें जो अनुपात है 60:40 का, आपको मैं बता दूं, देखिए टोटल झारखंड में जो बहुत सारे परियोजना या मिशन कार्य कर रहे हैं, जैसे ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, पलामू व्याघ्र परियोजना हो गया, पलामू व्याघ्र परियोजना के अलावा इसमें जो है हाथी परियोजना हो गया, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम हो गया, तो टोटल में जो है 60:40 का है, सिर्फ और सिर्फ पलामू व्याघ्र परियोजना में रेशियो 50:50 का है, ठीक है। क्या पलामू व्याघ्र परियोजना में 50:50 है, बाकी जो भी परियोजना है उसमें रेशियो केंद्र सरकार का 60 है और राज्य सरकार का 40 है। तो क्वेश्चन क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात क्या होगा? तो 60:40 ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? ऑप्शन है पलामू व्याघ्र परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य प्राणी पर्यावास एवं समेकित विकास योजना, ये तीनों। इसके अलावा जो है ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना भी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, हाथी परियोजना भी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम ये भी जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम ये भी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो आप सबको ध्यान में रखें, जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार आप टिक करें। तो निम्न में से कौन सी प्रायोजित योजना, ये तीनों जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ऑप्शन ए बी सी तीनों होगा, डी नंबर। नेक्स्ट है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, IUCN, WWF। तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ठीक है। और इसमें भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशियो है वो 60:40 का है, कितना 60:40 का है, ठीक है। इस योजना के तहत वनों में आग वगैरह जो लगता है उसको कैसे रोका जा सकता है वो कार्य होता है, सर्वे किया जाता है, सीमा वगैरह का अंकन किया जाता है, ठीक है। वन सीमा में जो आप देखते हैं चारों तरफ से बेड़ा लगाया जाता है, घेरा जाता है, वो सारे कार्य जो है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत में ही होता है। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देती है, 40% राशि राज्य सरकार खर्च करती है, ठीक है, और ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी पर्यावास समेकित विकास योजना के व्यय में केंद्र एवं राज्य का अनुपात क्या है? ऑप्शन में 50:50, 60:40, 70:30, 75:25। तो इसमें 60:40 का है, क्या 60:40 का, सिर्फ और सिर्फ जो है पलामू व्याघ्र परियोजना में 50:50 का रेशियो है, बाकी सभी में 60:40 का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के तहत राज्य में कहाँ वेटलैंड के संरक्षण का विकास संबंधी कार्य किया जा रहा है? ऑप्शन है साहेबगंज, गुमला, रांची, पाकुड़, ठीक है। तो ये साहेबगंज में जो है वेटलैंड संरक्षण का विकास किया जा रहा है, किसके अंतर्गत? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि कौन से साहेबगंज में वेटलैंड संरक्षण किस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, तो उस समय आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम योजना में केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात क्या होगा? इसमें भी 60:40 का होगा, सिर्फ पलामू व्याघ्र परियोजना में 50:50 का है, बाकी सभी में 60:40 का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, ये बी कर लेंगे, ये बी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का व्यय अनुपात 60:40 है?
हाथी परियोजना, राष्ट्रीय वानिकी परियोजना, ए और बी दोनों, तो दोनों में जो है 60-40 का रेशियो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू व्याघ्र परियोजना में केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात क्या है? ऑप्शन में 50-50, 60-30, 70-30, 80-20 का। आपको बताया कि पलामू व्याघ्र परियोजना ही एकमात्र परियोजना है झारखंड में जिसमें केंद्र और राज्य का अनुपात जो है 50-50 का है। कहने का अर्थ हुआ, एक 100 करोड़ राशि मान लीजिए इस पर लगाया गया, तो इसमें 50 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 50 करोड़ राज्य सरकार अपने खुद से लगाएगी, ठीक है। बाकी सभी में अनुपात जो है 60-40 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जंगली जानवरों से हुई क्षति पर राज्य सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है? ऑप्शन में है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। 18 वर्ष से कम आयु है तो उसे 1.5 लाख मिलेगा, कितना, 1.5 लाख रुपए, लेकिन 18 वर्ष से ज़्यादा है तो उसे 2.5 लाख मिलेगा, ठीक है। लेस देन 18 ईयर्स तो उसे 1.5 लाख मिलेगा, 18 साल से ज़्यादा है तो उसे 2.5 लाख मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। कब, जब मान लीजिए कोई जंगली जानवर किसी व्यक्ति पर हमला कर देता है। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों द्वारा पक्का मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है? ऑप्शन है 25,000, 20,000, 18,000, 15,000। मान लीजिए कोई, मान लीजिए हाथी, जंगली जानवर जनरली हाथी ही है जो पक्का वगैरह मकान को क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि देगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए 3-4 कंडीशन है, एक होता है ढलाई वाला छत, बिना ढलाई वाला छत और कच्चा मकान। अगर ढलाई वाला छत है तो उसे 15,000 मिलेगा, कितना, ढलाई वाले छत में, ठीक है, 15,000 ढलाई वाले छत जो है उसमें मिलेगा उसे 15,000, ठीक है। बिना ढलाई वाला जो है उसमें मिलेगा उसे 10,000, बिना ढलाई वाला जो है उसे मिलेगा 10,000 रुपया, राइट। तो पक्का मकान है, यहाँ पे पक्का मकान में क्या होता है, ढलाई होता है, तो आप समझ सकते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा, 15,000 रुपये मिलेगा। यदि वह कच्चा मकान है तो उसे मात्र 7,500 मिलेगा, कितना, 7,500 रुपया। यदि कोई जंगली जानवर या हाथी वगैरह उस मकान को क्षतिग्रस्त कर देता है, गिरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति करने पर राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ कितनी क्षतिपूर्ति राशि देता है? 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, ठीक है। तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपया दिया जाता है, कितना, 10,000 रुपया। इसके अलावा मान लीजिए कोई जानवर मर गया, ठीक है, गाय भैंस बैल आदि की मृत्यु हो गया तो उसमें 10,000 देता है। बछड़े वगैरह की मृत्यु पर 3,000 मिलता है, भेड़ है, बकरा है, बकरी है, उसकी मृत्यु पर 2,000 रुपया मिलता है, ठीक है। और फसल की क्षति होती है जिसमें, उसमें होता है प्रति हेक्टेयर जो है मैक्सिमम 10,000 रुपया मिलेगा, कितना, 10, मान लीजिए हाथी या कोई जंगली जानवर आया, आपका 1 हेक्टेयर भूमि को बर्बाद, फसल को बर्बाद कर दिया, तो 1 हेक्टेयर को बर्बाद किया तो 10,000 मैक्सिमम मिलेगा, 2 हेक्टेयर को बर्बाद किया है तो 20,000 मिलेगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, वन संरक्षण समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1980 में, 1973 में, 1991 में, ठीक है। तो एक होता है वन संरक्षण समिति, आज़ादी के बाद 1980 में हुआ, और आज़ादी के पहले बात किया जाए तो एक 1909 ईस्वी में भी हुआ था। कब, 1909 ईस्वी में जब अंग्रेज सरकार थी उस समय भी वन संरक्षण समिति बना था, आज़ादी के पहले, और आज़ादी के बाद कब बना, 1980 ईस्वी में वन संरक्षण समिति, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन में है धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा। तो ये हजारीबाग में 1954 में, ये डेट जब दिया जाएगा तो आपको हजारीबाग ध्यान में रखना है। झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 में हजारीबाग में स्थापित हुआ, सी नंबर। नेक्स्ट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम इस टोटल सीरीज में जो है 100+ क्वेश्चन, लगभग 110 क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। एक क्वेश्चन में हमने प्रयास किया कि 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। तो ये सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए खुद समझोगे। क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो अभी पूरा आप बुक का निचोड़ है, आप कहीं से भी उठा के देखिए, ये सारे क्वेश्चन से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम हो, कोई भी सेट प्रैक्टिस हो, आप बनाएंगे तो 100% में 90% से ऊपर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप खुद से देखें, कोई भी खुद से प्रैक्टिस सेट बनाएं या किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लें, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर की सीरीज से मिल जाएंगे। आई होप ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स है, बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन ले चुके हैं और एडमिशन अभी भी चल रहा है, आप ले सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल करें।
व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।